नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओपी ग्रुप में। ये ओपी ग्रुप के चैनल से मैं विनायक सिंगर फिर से करंट के अपडेट्स लेके आप लोगों के सामने। ये करंट अपडेट्स हैं 12 और 13 नवंबर के बीच की। कुछ चीज़ें 10 दिसंबर की जो छूट गई थी उसे भी हमने इंक्लूड कर लिया। मुनीन बारकुटो की साहित्यिक पुरस्कार 2018 से डॉक्टर देव भूषण बोरा को सम्मानित किया गया है। महिला एकल वर्ग में बैडमिंटन का कुंझोऊ चीन ओपन 2018 का खिताब चेन यूफेई ने हाल ही में जीत लिया है। इन्फोसिस पुरस्कार 2018 जो विज्ञान और शोध के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 3 लोगों को दिया गया है, नवकांत भट्ट, कविता सिंह और रूप मलिक। हाल ही में आपने सुना होगा, बहुत बड़े कॉमिक राइटर हैं स्टैनली, जिनका 12 नवंबर को देहांत हो गया। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कॉमिक्स लिखे हैं, जैसे हल्क, स्पाइडरमैन, आयरन मैन। सत्यरूप सिद्धांत एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने 11 नवंबर को माउंट गिलुए पर्वत, जो पपुआ न्यू गिनी में है, उसमें चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय हैं। 14 नवंबर को इसरो द्वारा D2 नामक मिशन श्रीहरिकोटा से हाल ही में लॉन्च किया गया है। समुद्र शक्ति नामक नौसेना अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच 12 नवंबर को हुआ। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS की एशिया प्रशांत क्षेत्र के नए प्रतिनिधि के रूप में सिद्धार्थ तिवारी को नियुक्त किया गया है। 11 नवंबर को मणिपुर राज्य में वाटर हैंडलूम हट का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो स्पाइनेकर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करेगा, इसे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जा रही है। आंग सान सू की को दिया गया, ये म्यांमार की एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में गणना होती है इनकी, इनको एम्बेसडर ऑफ कॉन्सेंस अवार्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा दिया गया था, जो इनके हाल ही के अलग अलग व्यवहारों में परिवर्तन के कारण इनसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फिर से वापस ले लिया है। गलत एवं भ्रामक खबरों पर रोक लगाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बियॉन्ड फेक न्यूज नामक एक पहल BBC द्वारा चालू की गई है। BBC की स्थापना 1927 में हुई। SV ससांग को मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद से हटा दिया गया है। गोवा राज्य सरकार ने 10 नवंबर से गोवा में मछलियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे भी इसी तरह से करंट के अपडेट के साथ मैं विनायक सिंगर आपके सामने रहूँगा। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।